हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो एमएससी स्टूडेंट के लिए है। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कोई भी आवेश वाला मॉलिक्यूल्स अपने विपरीत आवेश की तरफ गति करता है। किसी भी मॉलिक्यूल्स की गति उसके शेप एंड साइज और आवेश के आधार पर होती है। ये इसका डायग्राम है और इसका प्रिंसिपल। जब किसी आवेशित मॉलिक्यूल्स को दो अलग अलग आवेशों यानी चार्ज के बीच में रखा जाता है तो नेगेटिव मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव आयन्स की तरफ गति करते हैं एवं पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स नेगेटिव आयन्स की तरफ गति करते हैं। मॉलिक्यूल्स की गति उसके शेप साइज एवं चार्ज पर निर्भर करती है। वी बराबर इक्यू अपॉन एफ। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी मेथड होती है जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स जैसे कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और इनके छोटे छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है। इस मेथड में मुख्यतः एग्रोस जेल का यूज़ किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जब किसी आवेशित मॉलिक्यूल्स के जेल के अंदर बने छोटे छोटे होल्स के अंदर रखा जाता है और आवेश प्रवाहित किया जाता है, तब यह मॉलिक्यूल्स अपोजिट आवेश की तरफ गति करता है। पॉजिटिव हमेशा एनोड की ओर होगा और नेगेटिव हमेशा कैथोड की तरफ होगा। प्रिपरेशन ऑफ एग्रोस जेल। एक खाली इलेक्ट्रोफोरेसिस जार को लेकर उसमें एग्रोस पाउडर डाला जाता है और डिस्ट्रिक्ट वाटर मिलाया जाता है। थोड़ी मात्रा में बफर सॉल्यूशन भी मिला दिया जाता है ताकि पीएच नियंत्रित रहे। थोड़ी मात्रा में अगर भी मिलाया जाता है ताकि यह जेल में बदल जाता है। प्रोसीड्यूर ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। एग्रोस जेल से बना इलेक्ट्रोफोरेसिस चेम्बर को एनोड और कैथोड के बीच में रखा जाता है। अब एग्रोस जेल में बने होल के में सैंपल को डाला जाता है, जो साथ में थोड़ी मात्रा में डाई भी डाली जाती है। अब इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा को प्रवाहित किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करना ना।